हेलो बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसके दोस्त क्रॉक मगरमच्छ की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे और चिन्हों का उपयोग करके 1 से 50 तक की संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। एक दिन गैफी एक तालाब के पास अपने दोस्त क्रॉक से बात कर रही थी। तुम्हें पता है गैफी, मैं इन कौओं के साथ एक बहुत ही मजेदार खेल खेलता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। क्रॉक ने देखा कि 5 कौए तालाब की दाहिनी ओर बैठे हैं और 3 कौए बाईं ओर बैठे हैं। क्रॉक ने दाहिनी ओर मुड़कर 5 कौओं को डराने के लिए अपने मुंह को इस तरह खोला और वो कौए उड़ गए। कौए वापस तालाब पर आकर बैठ गए। अब 4 कौए दाहिनी ओर बैठे हैं और 7 कौए बाईं ओर बैठे हैं। 7 कौओं को डराने के लिए क्रॉक ने बाईं ओर मुड़कर अपने मुंह को इस तरह खोला और वे सभी उड़ गए। कौए एक बार फिर तालाब के पास आकर बैठ गए। इस बार दाहिनी ओर 5 कौए और बाईं ओर भी 5 कौए बैठे थे। क्रॉक ने पहले दाहिनी ओर देखा और फिर बाईं ओर देखा, लेकिन इस बार क्रॉक ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी उसने देखा कि दाहिनी ओर के 2 कौए उड़ गए। अब दाहिनी ओर 3 और बाईं ओर 5 कौए थे। अब क्रॉक अपनी बाईं ओर मुड़ा। उसने अपना मुंह इस तरह खोला और उन 5 कौओं को डराकर उड़ा दिया। क्रॉक, अब मैं समझ गई कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपना मुंह उस तरफ खोल रहे हो जहाँ ज्यादा कौवे हैं। और जब कौओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो तुम अपना मुंह नहीं खोलते हो। क्रॉक पलक झपकाता है और गैफी को अपना अंगूठा दिखाकर उसके सही होने का इशारा करता है। बच्चों, ये खेल देखने में आपको भी मजा आया ना? चलो हम भी ये खेल खेलते हैं। संख्याओं की तुलना करने के लिए हम जिन 3 चिन्हों का उपयोग करेंगे वे हैं, ये कम का चिन्ह, ये ज्यादा का चिन्ह और ये बराबर का चिन्ह। अब मान लीजिए आपको 48 और 43 ये संख्याएं दी गई हैं। जब हम गिनती करते हैं तो 48 की संख्या 43 के बाद आती है। जो संख्या गिनती में बाद में आती है वो संख्या बड़ी होती है। अब आप भी गैफी की तरह समझ गए होंगे कि क्रॉक का मुंह बड़ी संख्या की ओर खुलता है, इसीलिए हम इसे ज्यादा का चिन्ह इस्तेमाल कर 48 43 से बड़ा है के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 संख्याएं 16 और 29 हैं। जब हम गिनती करते हैं तो 29 16 के बाद आता है। जो संख्या गिनती में बाद में आती है वो ही बड़ी होती है। बड़ी संख्या 29 है और इसीलिए क्रॉक का मुंह 29 की ओर इस प्रकार खुलेगा। लेकिन बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये तो कम का चिन्ह भी दर्शाता है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 16 29 से कम है। अब हम संख्याएं 41 और 41 लेते हैं। ये दोनों संख्याएं बिल्कुल समान हैं। जब समान संख्या होती है तो क्रॉक अपना मुंह नहीं खोलता है, इसीलिए हम इसे बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर 41 41 के बराबर है के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा हम किस तरह कम, ज्यादा और बराबर के चिन्हों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि बाईं ओर लिखी संख्या दाईं ओर लिखी संख्या से बड़ी, छोटी या समान है, और फिर आप इनमें से सही चिन्ह का इस्तेमाल कर संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो चलिए, क्या आप जल्दी से इन दी गई संख्याओं के बीच सही चिन्ह का इस्तेमाल कर इनकी तुलना कर सकते हैं? आप वीडियो को पॉज करके इसका हल ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्रॉक की सहायता से 1 से 50 तक की संख्याओं की तुलना करने के लिए ज्यादा, कम और समान के चिन्ह का उपयोग करना सीखा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।